ट्रैवल विथ विपुल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गौरव पथ पिपलोद, सूरत का गौरव पथ जो पिपलोद एरिया का है वो हम देखेंगे। वो शुरू होता है एसवीएनआईटी सर्कल से, हम देखेंगे उसको जो वाई जंक्शन तक जाता है। तो ये एसवीएनआईटी सर्कल है। एसवीएनआईटी का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ से वो गौरव पथ जाता है और वाई जंक्शन तक पूरा होता है। आप वीडियो पूरा देखना, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आप ये हमारी ट्रैवल विथ विपुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलो हम देखते हैं ट्रैवल विथ विपुल में ये गौरव पथ पिपलो। ये गौरव पथ है जो SNC ने बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है, फुल टेक्नोलॉजी के साथ ये डेवलप किया है। ये रोड पूरा जाएगा आगे एयरपोर्ट डुमस तक और ये आता है 8वां गेट से होके आता है और यहाँ से शुरू होता है, लेकिन यही पार्ट को हम गौरव पथ बोलते हैं। दूसरा भी एक गौरव पथ है जो है हमारा पाल में, तो उसका भी मैंने वीडियो रखा है गौरव पथ पाल का, तो वो भी आप देख लेना। ऊपर आई बटन में मैंने रख दिया है, तो आपको वो देखना है तो वो भी आप देख लेना। इस रास्ते में इंस्टीट्यूट भी आते हैं और ये दो सर्कल आते हैं, एक कारगिल चौक है और एसवीएनआईटी सर्कल दो है। और आगे जाके आपको राहुल रोड मॉल के पास भी एक एग्जिट मिलेगा, वो भी आ जाएगा। तो ये है कारगिल चौक, ये भी है बहुत अच्छा कारगिल चौक है जो कि लेक्यू गार्डन के पास आया है। तो ये कारगिल चौक है। इस गौरव पथ पे SVNIT एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए है। इसके बाजू में केंद्रीय विद्यालय है, आगे शारदा यतन स्कूल है और क्लार्सन आर्मी स्कूल भी है। और यहाँ पे बाजू में एक लेक्यू गार्डन है और बहुत सारे ऐसे ऐसे जो बहुत अच्छे पॉइंट है वो भी यहाँ पे है। ये बाजू में यहाँ पे लेक्यू रेस्टोरेंट है, उसके बाजू में कॉफ़ी कैफे बार भी है। इस रोड पे आप देखेंगे तो राजन सिनेमा आएगा, इस्कॉन मॉल आता है, फिर क्रोमा सेंटर है, बिग बाजार है और उसके बाजू में सनशाइन हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर भी है, आगे राहुल राज मॉल और इसके बाजू में है गोर्धन हवेली। ऐसे बहुत अच्छे पॉइंट है। आगे सेंट्रल मॉल है, सेंट्रल मॉल के बाजू में फूड मेला भी लगता है बहुत बढ़िया, जो रात को फूड मेला लगता है। आप कभी रात को आओ तो ये फूड मेला का खास आप विजिट करना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा अच्छा बढ़िया खाना मिल जाएगा। और आगे सेंट्रल मॉल से आगे वाई पॉइंट वाई जंक्शन है, वहाँ तक जाता है रास्ता और वाई जंक्शन के पास ये रास्ता पूरा होगा। ये बाजू में इस्कॉन मॉल है, तो इस्कॉन मॉल तो अभी थोड़ा बंद हो गया है, अभी मेंटेनेंस चल रहा है और पहले उसका बहुत अच्छा रहता था। ये बाजू में राजन सिनेमा, इस्कॉन मॉल के एग्जैक्ट सामने राजन सिनेमा, तो आप कभी पिक्चर विक्चर देखना हो तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो। और आप आगे जाओगे तो आगे भी बहुत बढ़िया आपको वो शॉपिंग मॉल भी मिलेंगे, बहुत अच्छे शॉपिंग सेंटर भी मिलेंगे। जो है बिग बाजार है, हम बिग बाजार पे आ गए हैं। पहले तो बिग बाजार बहुत चलता था, अभी भी अच्छा चल रहा है। तो आपको बिग बाजार में आओगे तो आपको सभी जगह एक सभी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएगी। इसके बाजू में ये है, सामने दिख रहा है वो आपको मर्सिडीज बेंज का शोरूम है, जो लग्जरी कार है उसका शोरूम है मर्सिडीज बेंज। और ये बिल्डिंग है वो सनशाइन ग्लोबल
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है ये बिल्डिंग, सनसाइन ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स आते हैं और ये जो है ये इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर है, बढ़िया बिजनेस सेंटर है। उसमें अच्छा सा अच्छा कॉम्बिनेशन है, नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर ऑफिसेस है, बहुत सारी कॉर्पोरेट ऑफिसेस है और बैंक है। तो आप यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो, डोमिनोज है, नीचे केएफसी है, बर्गर किंग है, पिज़्ज़ा हट है, तो आपको खाने के लिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी यहाँ पे मिल जाएंगे इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर में। राहुल राज मॉल है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो, और राइट हैंड साइड में गोवर्धन हवेली है। और राहुल राज मॉल के एग्जिट सामने वाली साइड पे आपको लालबाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम आपको मिलेगा, वो भी यहीं पे है। तो आप कभी क्रिकेट देखने आते हो तो लालबाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम यहीं पे है। सामने वैलेंटाइन सिनेमा है और लेफ्ट हैंड साइड पे सेंट्रल मॉल है और आगे फूड मेला लगता है। रात को आप आते हो तो फूड मेला में आप जरूर विजिट करना, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स है और खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो आप रात को आते हो तो वहाँ पे भी आप आ सकते हो। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है सभी लग्जरीज कार के शोरूम आते हैं, वो भी आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के रख दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। जो सामने दिख रहा है वो इंडिया का फ्लैग है, नेशनल फ्लैग हमारा वो है। थोड़ा पवन की वजह से बराबर दिख नहीं रहा है। अभी हम आ पहुंचे हैं वाई जंक्शन पे। ये वाई जंक्शन इसलिए कहलाता है कि यहाँ पे तीन रास्ते हैं, तो इसलिए वाई जंक्शन कहलाता है। सीधा रास्ता एयरपोर्ट तक जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का रास्ता जाएगा उदना मुगदल्ला रोड, यूनिवर्सिटी रोड जाएगा, और हम आए वो अठवा गेट का रास्ता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं वाई जंक्शन में और ये गौरव पथ यहाँ पर ख़त्म हो गया। दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।